हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो जो कि चारों की प्रेजेंस में है और हम आज आईपीएल के ऊपर डिस्कशन करेंगे. वन ऑफ द बिगेस्ट लीग्स जो है एंड उसमें हम कंपैरिजन करेंगे कि कैसा चल रहा है, हु इज प्लेइंग वेल, हु इज नॉट प्लेइंग वेल. तो गाइस, व्हाट आर योर व्यूज? आईपीएल यार, इट्स गेटिंग ह्यूज. 10 टीम्स, ठीक है, और काफी ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि इट मेक सेंस टू प्ले क्योंकि पैसा मिल रहा है उनको, बड़ी अच्छी बात है. लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा सा उलझन है कि उन्होंने काफी एक्सपायर्ड क्रिकेटर्स को अभी तक खिला रहे हैं जबकि यंगस्टर्स और भी हैं, वो चांस देना चाहिए. कौन से एक्सपायर्ड? यार अभी हमने पीयूष चावला को देखा थोड़ी देर पहले, नहीं है वो भाई, वो एक्सपायर्ड है. 34 साल के यार, कोई 34 साल भाई, जितने साल कोहली है उतने साल बाकी. सॉरी, इज यंगर देन कोहली यार. मेरी बात तुम उसे ऐसे बल्कि सही बात है यार, 34 इज एक्सपायर्ड. देखो, मैं मेरा पॉइंट ये था कि इंडिया कंसीडरिंग द अमाउंट ऑफ क्रिकेटर्स दे हैव, दे शुड गिव यंगस्टर्स अ चांस. इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी में इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, पीयूष चावला से वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं? चलो कोहली खेल रहा है, उससे वो अचीव कर सकते हैं. आईपीएल का सिर्फ मकसद कितना बड़ा प्लेटफॉर्म. थिंक जो ओपनिंग सेरेमनी थी, 1,30,000, सिर्फ आईपीएल की बेसिस पे आप देखते हो ना, मजा आता है देख के, क्राउड और ये, विच इज गुड. नहीं, क्रिकेट देखो, इंडिया में जितना आई बॉल्स मिलते हैं क्रिकेट के लिए, वो तो कोई कंपैरिजन नहीं. मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि क्रिकेट को जो है ना, वो इसको यूज करें टू इम्प्रूव क्रिकेट, ना कि वो अपनी पावर को शो करने के लिए ऐसे डिसीजन लेंगे जहां पे आके इट इज आर वे. और एडिंग टू दैट, टू दैट कन्वर्सेशन, और मैं अपने ऑडियंस जो भी अगर थोड़ा बहुत देखते हैं उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि वुड यू लाइक टू सी पाकिस्तान क्रिकेटर्स प्ले इन आईपीएल, और अगर वो खेलेंगे तो विल दे डोमिनेट और नॉट? बिकॉज मुझे कोई बॉलिंग आईपीएल की आज तक इंप्रेसिव नहीं लगी, इवन इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो बड़ा एक इम्पैक्ट. इमेजिन, मैंने वलीद को ये कह रहा था कि आरसीबी बाबर को साइन कर ले और विराट कोहली और बाबर, मैं ओपनिंग, अच्छा मजा आया ना ओपनिंग कर लो विराट कोहली और बाबर. आई थिंक इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वेयर इट वुड बी रियली गुड टू सी कि दोनों इकट्ठे कैसे प्ले करते हैं. देखो सारी दुनिया बात करती है, कौन खेलेगा? मैं वलीद से पूछूंगा, अगर बाबर और वलीद ओपनिंग स्टार्ट करेंगे तो एग्रेसिव कौन है? बाबर और वलीद, बाबर कैसे खेलेगा? बाबर और बाबर कोहली अगर ओपनिंग करते हैं तो एग्रेसर कौन होगा? मेरा ज़रूरत नहीं वन डाउन की जो फास्ट बॉलिंग का टैलेंट है वो किसी लीग में नहीं है. इमेजिन के दैट टैलेंट इज परफॉर्मिंग इन आईपीएल, जहाँ पे बैट्समैन तो बहुत होते हैं, बॉलर उस तरह के नहीं है कि जहाँ पे हम हर साल एक बैट्समैन प्रोड्यूस कर लेते हैं. जो पहला एडिशन हुआ था आईपीएल का, उसमें तुम्हें याद होगा सुनील तेंदुलकर, याद नहीं? मैं आपको भी याद तो है सुनील तेंदुलकर का, याद करा तुमने? मैंने क्या, सबसे लोएस्ट एवरेज थी उसकी अभी तक, अपनी हिस्ट्री देखो तो है. जो भी टॉप विकेट टेकर्स रहे ना हर पर सीजन, इफ यू लुक एट ऑल आईपीएल सीजंस, द हाईएस्ट विकेट टेकर विद द लोएस्ट एवरेज वाज सुनील तेंदुलकर. मलिंगा इज द बाकी मजा आएगा. अगर आप जस्ट आप देखें रोहित अगर खेल रहा हो, एक और ऑप्शन ये कि यार आप
जिस तरह पहले एक चैंपियंस लीग की बात हो रही थी और मैचेस भी हो रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर लायंस ने एक टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस को हराया था और लाहौर लायंस ऑलमोस्ट क्वालिफाइड फॉर द सेकंड राउंड ऑफ दैट टूर्नामेंट, तो बड़ा एक्साइटिंग था कि आप, अरे इट्स अ वेरी गुड आइडिया, तो मैं ही कह रहा हूं कि आप देखो एक न्यूट्रल वेन्यू पे, यूएई इज अ गुड न्यूट्रल वेन्यू, बहुत मतलब क्राउड मिलेगा, आप आईपीएल चैंपियंस वर्सेस पीएसएल चैंपियंस करवा दो मैच, दैट वुड बी अ गुड गेम, उसमें सर ये होगा कि अगर लेट्स से एक दोनों साइडों का खास लेट देम चूज, लेट देम चूज टारगेटर्स हैं, लेट देम चूज, आई एम द गुड थिंग, जहां आपको पैसा डालने की बात करेंगे ये तो चूज करना है, पैसा नहीं कर सकते क्योंकि आईपीएल, आई थिंक राशिद खान लोग आकर उन्होंने इसको डेफिनेटली, अच्छा इस चीज को आगे डेवलप करते हैं कि एक और बहुत आजकल बात चल रही है एशिया वर्सेस एशिया कप और वर्ल्ड कप की, वेयर आई थिंक अगेन इट विल बी अ बिग लॉस इफ पाकिस्तान, इफ इंडिया कांट न्यूट्रल वैल्यूज में चले, मेरा उसमें अच्छा, तो मेरा ख्याल है व्यूअर्स एज पाकिस्तानी फैंस इंडियन फैंस वो लूज आउट करते हैं इसके ऊपर, आई मीन अगर पाकिस्तान को फॉर श्योर मेरा ख्याल इंडिया जाना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान अगर इंडिया में खेलो तो आप एटमोस्फेयर को आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कैसा होगा, सिमिलरली इफ इंडिया कैन कम टू पाकिस्तान व्हाई नॉट, बिल्कुल so, जो भी क्रिकेटिंग फैन होगा वो तो ये कह ही नहीं सकता कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखना चाहता, और आई थिंक उस मैच के साथ ज्यादती होगी कि अगर आप उसको किसी ऐसे दोनों में एक्सपायर बहुत है यहाँ पे, लेकिन अगर बांग्लादेश में कराना है आपने ये भी देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था तो मेलबर्न में हुआ था फुल नाउ, अगर आप बांग्लादेश में भी करा देंगे तो कहने की बात है स्टेडियम फुली होगा उस मैच में, मुझे लग रहा है सब ये है कि आपका स्कोरिंग सिस्टम इज ऑन द सेम कंडीशंस फॉर ऑल द टीम्स, आपने एक मैच जीता है तो एक कंडीशन में मैच कंडीशन में जीता, अब मैंने सारे बांग्लादेश मैच जीती है उस वहां मुझे फेवर करता है पॉइंट, क्योंकि हर जगह टूर्नामेंट में जैसा पहले भी जब लास्ट 2011 के वर्ल्ड कप हुआ कुछ मैचेस श्रीलंका में थे कुछ मैचेस इंडिया में सबके लिए ना यार इंडिया की जो पावर ओवर क्रिकेट है I think Asia Cup जो है ये लोग न्यूट्रल वेन्यू में करा देंगे, वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान चला जाएगा, इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं सारी दुनिया की टीमें आगे चलेगी, आईपीएल हो गया इंटरनेशनल प्लेयर सिक्योरिटी का मसला इतना बड़ा मसला नहीं है, हम लोग पाकिस्तान में बड़े हुए हैं हमें पता है कि ये सब बातें हैं, सिक्योरिटी का इशू पाकिस्तानियों के लिए अगर है भी ना इंडिया की टीम ने लैंड करी होगी ना तो उसमें सिक्योरिटी का इशू होगा, क्योंकि दे विल बी यू नो एवरीथिंग विल बी डबल डाउन, एग्जैक्टली पाकिस्तान की विराट की कितनी बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारी हमारे ग्रुप में जो सारी रात उसका विरोध करते हैं और उसकी तस्वीर को चूम के सोते हैं उसके बाद उसको नहीं, बट जेन्युइनली जेन्युइनली कह रहा बट I mean, it's good अगर वो खोल जाए, लेकिन I don't know, because मैं यही कह रहा था हमारा T20 का जो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, इंडिया was also told to do the in a neutral venue, right? It was supposed to be. So I think these are beyond fans से control से बाहर है, but लेकिन यार I think वर्ल्ड कप अगर फिर वर्ल्ड कप पाकिस्तान should go to India, अगर इंडिया में हो रहा है तो पाकिस्तान should go and play there. मतलब तभी आएगा ना जब इंडिया के वेन्यू पे पाकिस्तान इंडिया का गेम होगा और पाकिस्तान जीतेगा तो मजा तो तब आएगा, ठीक है अगर हार भी गया तो तब भी मजा आएगा, लेकिन फिर भी मजा आएगा, किसी लीग में खेलने की जरूरत नहीं है और उसकी वजह होती है कि वो बाहर जाके अभी जैसा वर्ल्ड कप हुआ या मेन टूर्नामेंट्स आते हैं जो आउटसाइड इंडिया होते हैं उसमें इंडिया ने कोई स्टैट्स में कोई मेजर टूर्नामेंट नहीं जीता आउटसाइड इंडिया, थोड़े रस्ते में दिक्कत है, तो क्योंकि चाहते हैं उनको भाई और खेलने का मौका तो मिलना चाहिए ना,
और प्रॉब्ली पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो इसलिए भी यू नो ऑलराउंड होते हैं कि वो खेलते ही बाहर। अभी आईपीएल देखो सबसे बड़ी जो आईपीएल की पैदावार है जो इन द लास्ट ईयर उसका है राइट, इज द बिगेस्ट लाइक इन द वर्ल्ड, तो देख ले आप उसने क्या किया, उसका रिकॉर्ड है उसने पूरी सीरीज में 3 बॉलें खेली हैं, उसको बॉलिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा भाई बात है यार, उसको बॉल नहीं हो रहा है, बात तो बस स्काई का प्रॉब्लम ये है कि ही इज अ टी20 बैट्समैन ऑल अराउंड, ठीक है, उसकी आप टेक्निक देखें वो जितना क्रीज से मूव करता है राइट, ये किसी बल्कि इंडियन किसी एक्सपर्ट ने भी बात की थी कि आप उसे अगर टेस्ट मैच लाओगे ही विल नॉट लास्ट लॉन्ग, हां नॉट इवन वन बॉल ऑफ कोर्स, मेरा कहना था शदीद टी20 का प्लेयर है वो एक बॉल भी नहीं खेलता, यार मेरी बात सुनो टी20 का बहुत अच्छा बैट्समैन है वो उस दिन टीवी पे कह रहा था कि जब हम मैंने आज से कोई पता नहीं 15 साल पहले अंडर 19 खेली थी 15 साल पहले। और वो जो होते हैं ना तमाशबी लोग होते हैं जो यार कि यार मैं पुठा होकर शॉट मार दूंगा करता दिखाने वाला फर्क होता है, वो लॉन्ग रन में नहीं जा सकते करता दिखा सकते। आज के मैच में ही स्कोर 15 रन इन 14 बॉल्स, मैच हार गए बुरी तरह से, और 15 रन 16 बॉल में। अच्छा सॉरी तो ये स्काई जो है ना उसका डाउनफॉल हो रहा है थोड़ा सा, इस पे भी मैं ये भी बिलीव करना चाहूंगा कि फिर बाबर आजम जैसा प्लेयर नहीं है कोई, क्योंकि वो अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स परफॉर्म कर रहा है। मैं इस पे बात करूं, आपने एशिया कप आपने अंडर परफॉर्म किया, पूरा आपने वर्ल्ड कप अंडर परफॉर्म किया, सर ठीक है अंडर परफॉर्म ही परफॉर्म किया आपने टीम के हिसाब से, अंडर परफॉर्म किया हां भाई 10 की एवरेज किस लिहाज से परफॉर्मेंस है यार, एशिया कप की परफॉर्मेंस नहीं वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस ही नहीं, 0% 50 से आगे एक उसकी सीरीज लाल हो जाए एक दो प्लेयर अगर वर्ल्ड कप हो तो एक ही साल, अच्छा एक ही साल में नहीं एक ही महीने में तो यार कोहली ने 3 साल लगे सॉल्व करने में, हमने कुछ मेरा कहने का मकसद ये था कि क्योंकि हम आईपीएल की किसी टीम को सपोर्ट नहीं करते, हम लाहौर को करते हैं, लाहौर से हैं या कराची से हैं, तो हम प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं आईपीएल में, तो आई वुड लाइक टू सी स्काई परफॉर्म। आई कभी नहीं जैसे कि हम क्या उसे उसी टीम को सपोर्ट करते हैं जहां से हम हैं, ऐसी बात नहीं है, और हम भी नहीं हम किसी टीम को सपोर्ट करते हैं, जब पीएस से हम खेलते हैं तो मैं तो लाहौर करता हूं क्योंकि भाई यार लाहौर से ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, ये जल्दी को सपोर्ट करता है, आप बाबर कहते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, इफ अगर जब जल्दी लाहौर का फायदा हुआ चीज़ 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 लाइक करता है
लेकिन मैं खान हूं मैं, क्या होगा, ट्रू फैंस अपने अपने होम को करते हैं ना, ट्रू फैंस तो आगे कराची को करता है, आगे कराची को, करना बनता नहीं है सर, गुटका पसंद है, अच्छा नहीं है, मैं ही कह रहा हूँ, अच्छा काम कैसे करेंगे, तो आज मैं किस टीम को सपोर्ट करता हूँ, मैं तो कोहली की हूँ, आरसीबी को, चलो आरसीबी को, प्लेयर सबसे अच्छा है, अनुष्का या कोहली, कोहली, अरे इसमें आपको डाउट था? मुझे करते हैं कि क्या मतलब आपका दोनों टीम है दूसरे कंट्रीज में जाके खेलते हैं।